रही हैं, क्या व्यवस्था है और किस किस तरीके से पोलिंग पार्टियां अपने बूथ तक पहुंचेंगी, उसके क्या बंदोबस्त किए गए हैं? एक्चुअली अभी आप रवाना के स्थल पे ही बैठे हैं, हम लोग सारे जो पोलिंग पार्टी से हमारा जो सरबत से हम लोग स्वागत कर रहे हैं। पूरा त्यौहार का जो माहौल यहाँ बना हुआ है, अभी हर विधानसभा क्षेत्र में, मतलब यहाँ टोटली हमारे पीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी पड़ती है, तो सब में कम से कम 200 लोगों ने हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी अपने सामग्री ले लिया है। अभी मतलब इन लोगों को अपने बस पर बिठाल के रवाना की जो व्यवस्था है शुरू की जा रही है। छाया की जो व्यवस्था की गई है, पर्याप्त मात्रा में पानी की व्यवस्था, स्वच्छ टॉयलेट की व्यवस्था सब कराया गया है। अब इसके अलावा जो पोलिंग स्टेशंस में भी पहले से सुचारू रूप से जो भी पोलिंग स्टेशंस में सफाई की व्यवस्था होनी है, क्योंकि हमारी पोलिंग पार्टी आज रुकेगी वहाँ, तो सारी जो व्यवस्था है सफाई और साफ पानी की व्यवस्था है, मॉस्किटो नेट्स की व्यवस्था है, तो सब कुछ कराया गया है। और खाने की जो व्यवस्था है प्रॉपरली जो ईसीआई गाइडलाइंस के अनुसार कराया गया है। इसके अलावा जब कल मतदान शुरू होगी तो हमारे जो वरिष्ठ जो नागरिक हैं, वोटर्स हैं, हमारे दिव्यांग जन है, तो उन लोगों के लिए भी एक्सटेंडेड फैसिलिटीज़ है प्रोवाइड किया गया, जैसा रैंप है, जैसा आपका जो व्हील चेयर्स है, और हर पोलिंग स्टेशंस में वोटर फैसिलिटेशन बूथ भी लगाया जा रहा है। महिलाओं का जो आइडेंटिफिकेशन है महिलाओं के माध्यम से ही कराया जाएगा, तो इस तरह की व्यवस्था की गई है। सिक्योरिटी भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो बहुत पर्याप्त मात्रा में हमारे पास पुलिस बल है, CAPF है, तो जहाँ जहाँ उनका प्लेसमेंट होना है वो सब सुचारू रूप से हो रहा है। Gracias.